श्रम विभाग के उप श्रम आयुक्त धर्मेंद्र कुमार सिंह मंगलवार को मथुरा आए। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में ई श्रम कार्ड बनवाने आने के लिए निर्देश दिए। ई श्रम कार्ड बनाने के लिए जनपद में 9 विभागों के अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया गया। अब कोई भी व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। श्रम कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक एवं 2 फोटो लेकर जन सुविधा केंद्र पर जाना होगा और जन सुविधा केंद्र पर श्रम कार्ड बनवाकर प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। देखिए, असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों का पंजीकरण भारत सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल ई श्रम पर कराया जा रहा है। इसमें हर वो वर्कर जिसका पीएफ नहीं कटता है, एसआई नहीं कटता है, जिसकी उम्र 60 साल से नीचे है और जो इनकम टैक्स नहीं दे रहा है, इस प्रकार के सभी लोग इसमें अपना पंजीकरण करा सकते हैं और कराना चाहिए। आपके माध्यम से सभी ऐसे मजदूर कर्मकार जो काम कर रहे हैं, चाहे वो धोबी हों, चाहे मोची हों, चाहे रिक्शे वाले हों, ऑटो ड्राइवर हों, टैक्सी ड्राइवर हों, ठेले वाले हों, आपके रसोईया हों, घर में काम करने वाले हों, आपके आशा वर्कर हों, आंगनबाड़ी कर्मचारी हों, ये सारे के सारे लोग अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं और आने वाले समय में इन जो इस प्रकार के पंजीकरण हो रहे हैं, इसमें तमाम योजनाएं आएंगी और उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलना प्रस्तावित होगा।